नमस्कार दर्शकों, वक्त हो गया है आज की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरों का। तो आइए जान लेते हैं आज की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर को दी 20,000 करोड़ की सौगात, बोले अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय। बता दें कि पीएम मोदी आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर में किया रोड शो। भारत पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया मैक्रों का स्वागत। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति कल गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए आम जनता से मांगे सुझाव। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पीएम मोदी की वेबसाइट पर इसको लेकर दी गई है जानकारी। बीआरओ को मिली भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की जिम्मेदारी। मणिपुर में 10 किलोमीटर का काम हुआ पूरा। बता दें कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना बीआरओ के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी वराले ने ली सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ। आपको बता दें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पश्चिम बंगाल में किया प्रवेश। बंगाल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का स्वागत। राहुल बोले अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पश्चिम बंगाल में किया प्रवेश, तो टीएमसी ने दिखाए यहां दीदी ही काफी है के पोस्टर। बता दें कि कल ही टीएमसी ने 2024 का चुनाव बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान किया है। असम के सीएम और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी। सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की आत्मा को मार दिया गया है और कांग्रेस पार्टी अब सॉफ्ट नक्सल बन गई है। ईडी ने अपने अधिकारी के खिलाफ जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। तेलंगाना सरकार के एक अधिकारी के ठिकानों पर एसीबी के छापे में 100 करोड़ की संपत्ति जब्त। 40 लाख कैश, 2 किलो सोना, कई महंगी घड़ियां, कई महंगे स्मार्टफोन समेत कई दस्तावेज हुए बरामद। एसीबी ने अधिकारी को किया गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश सेटार ने फिर थामा बीजेपी का दामन। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने किया उनका स्वागत। बताया गया है कि सेटार भाजपा में शामिल होने से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं से मिले थे। पौष पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बता दें कि श्रद्धालुओं ने यहां पहले सरयू नदी में स्नान किया और फिर रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। बता दें कि रामलला के दर्शन के लिए इन दिनों राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत। इंग्लैंड की पारी 246 रन पर सिमटी। इंग्लैंड का आखिरी विकेट कप्तान बेन स्टोक्स के रूप में गिरा। खबर लिखे जाने तक भारत 9 ओवर में 63 रन बना चुका था। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर सिनेमाघरों में आज हुई रिलीज। फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लगी लोगों की लंबी कतारें। फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले लोगों ने कहा कि फिल्म की कहानी, एक्शन और क्लाइमेक्स सब कुछ कमाल है। सीपीईसी परियोजना को अपग्रेड करने के लिए तैयार हुआ चीन। चीन ने पाकिस्तान को दिया आश्वासन। चीन ने कहा अरबों डॉलर की परियोजना को अपग्रेड करेगा ताकि चीन और पाकिस्तान के बीच रिश्ता कायम रह सके। तो दर्शकों, ये थी आज की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।